साथ ही साथ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया का भी फॉर्म होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ग्लाइसिन इंटरैक्ट विद द टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन प्लस ऑक्सीजन एंड फाइनली क्या बनाते हैं, सीरीन। सीरीन का फॉर्मेशन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन। नाउ सीरीन मूव्स अगेन इन पेरोक्सीसोम वेयर डी एमिनेशन ऑफ सीरीन टेक्स प्लेस। ये वापस से सीरीन वापस से पेरोक्सीसोम में जाता है और यहाँ पर डी एमिनेशन प्रोसेस होती है एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरेट फ्रॉम विच मूव्स इन टू द क्लोरोप्लास्ट टू फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। ठीक है, ये वापस जो ग्लिसरेट है मूव करके क्लोरोप्लास्ट में जाता है और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और इसमें ATP एनर्जी कंज्यूम होती है। सो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज यूज इन कार्बन एसिमिलेशन साइकिल एंड अबाउट 30-40% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज लॉस्ट ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन साइकिल है वहाँ पर ये फर्दर इस्तेमाल हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस क्लोरोफिल देन पेरोक्सीसोम देन माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको एक फॉर्मेट में बनाते हैं, आप इसको भी समझ सकते हैं इस तरह से। दिस इज क्लोरोफिल एरिया और यहाँ से ग्लाइकोलेट मूव करके इस साइकिल में आया, इसको कहते हैं पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम से ग्लाइसिन मूव करके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में सीरीन का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, और ये साइकिल वापस यहाँ से रिवर्स करती है, सीरीन वापस आती है पेरोक्सीसोम में और फिर यहाँ से ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करके ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। सो आई एम गोइंग टू मेक अ डायग्राम फ्लो चार्ट बनाते हैं, इसके थ्रू आपको समझने में और इजी होगी। सो लेट अस मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ दीज रिएक्शंस। आपको 3 ऑर्गेनल के नेम याद रखने हैं कहाँ कहाँ पर ये रिएक्शन होता है। पहले होगा क्लोरोप्लास्ट में, देन पेरोक्सीसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, CPM एंड अ क्लोरोफिल। ऑलराइट, यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन के बारे में। RUBP रेबलेज बाय फॉस्फेट। ठीक है, ये प्रोसेस कैसा होता है, RUBP कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फो-3-PGA। ऑलराइट, एंड सर्टेन प्रोसेस गोइंग हियर आल्सो, राइट। ग्लाइकोलेट मूव्स हियर एंड
देन कन्वर्ट इनटू ग्लाइऑक्सिलेट, कन्वर्ट इनटू द ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिन फर्दर मूव इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सीरीन. दिस इज द प्रोसेस. Okay, so in this process there are certain enzymatic processes. Okay, और कुछ और भी reaction होते हैं जैसे glycolate और glyoxylate के formation के बीच में oxygen molecule का involvement है, तभी तो ये reaction होकर O2 glyoxylate का formation करते हैं plus one molecule of H2O2 रिलीज होता है यहाँ पर. ठीक है, सीरीन, और सीरीन ये एंटर कर जाता है वापस इसमें पेरोक्सीसोम में. सीरीन फर्दर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी पाइरुवेट एंड हाइड्रोक्सी पाइरुवेट फर्दर कन्वर्टेड इनटू द ग्लिसरेट. ग्रेट, नाउ फोकस दिस रिएक्शन. सीरीन मूव हियर, देन it converted into the hydroxy pyruvate. और यहाँ पर एक एंजाइम वर्क करता है इनके बीच में जिसका नाम है ग्लूटामेट एंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट. लिखते हैं ग्लूटामेट एंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट. ये रिएक्शन ठीक है, ये पाई जाती है सीरीन और ग्लाइसिनेट के बीच में और ग्लाइसिन के बीच में. नाउ ग्लिसरेट के फॉर्मेशन में एक और प्रोसेस होती है, NADH कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में. ऑलराइट, नाउ this glycerate moves to the chlorophyll. और यहां पर एक एटीपी कंज्यूम होता है और फॉर्मेशन करता है 3-phosphoglyceric एसिड का. और यहां पर लॉस होता है एटीपी एनर्जी रिलीज होती है और एडीपी का फॉर्मेशन होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. राइट, तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन जिसमें क्लोरोफिल, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको देख के ही पता चल जाएगा ये लीफ है यानी क्लोरोफिल. प्लस पेरोक्सीसो
पेरोक्सी सोम एंड माइट्रोकांड्रिया। इन तीनों ऑर्गेनल्स का एक कंबाइंड प्रोसेस है फोटोरिस्पायरेशन, जिसमें क्लोरोफिल से स्टार्ट होकर ये माइट्रोकांड्रिया और माइट्रोकांड्रिया से ये भी वापस से ये साइक्लिक पाथ चलता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फोटोरिस्पायरेशन। नाउ लुक एट द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। अभी हम उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। 1860 में सांस ने सबसे पहले प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट जिसे हम कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द फैक्टर अफेक्टिंग एनी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हैज़ थ्री मेन वैल्यूज। तो वन बाई वन देखते हैं, हेडिंग डाल दीजिए फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ने सबसे पहले प्रपोज किया था कार्डिनल कॉन्सेप्ट या कार्डिनल पॉइंट। हेडिंग डाल देते हैं सांस। एज पर द कार्डिनल पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस द फैक्टर अफेक्टिंग एनी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैव अ थ्री मेन पॉइंट। विच वन? First one is first point को हम कहते हैं मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम। राइट, तो सांस के अकॉर्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल थ्योरी, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, लाइक मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। मिनिमम, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन डज नॉट अकर इफ द वैल्यू इज बिलो मिनिमम। अगर किसी चीज की क्वांटिटी मिनिमम से कम है तो ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस बिलो दैट, यानी मिनिमम के नीचे अगर है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ऑप्टिमम, एट ऑप्टिमम वैल्यू द रिएक्शन कैन अकर एट द मैक्सिमम स्पीड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। अगर एनवायरमेंट प्रॉपर है और ऑब्जेक्ट के पास ऑप्टिमम वैल्यूज है देन रिएक्शन नॉन स्टॉप चलेगा और मैक्सिमम स्पीड से। इसमें लिख लीजिए फिजियोलॉजिकल
रिएक्शन रन एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट इनडेफिनिट टाइम ओके लगातार चलती रहेगी इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक. नेक्स्ट आता है मैक्सिमम द वैल्यू बियॉन्ड द मैक्सिमम द एक्टिविटी स्टॉप. अगर जो वैल्यू है वो मैक्सिमम के बियॉन्ड जाती है तो जो प्रोसेस है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाते. लॉजिकल रिएक्शन will stop. That means below the minimum and above the maximum. In both the cases, the physiological reaction will stop. Next scientist है जिनका नाम है Blackman. और Blackman's ने एक law दिया जिसका नाम है Blackman's law of limiting factor. Heading डाल दीजिए. सॉरी Blackman Blackman ने प्रपोज किया था Blackman's law of limiting factor. Man's law of limiting factor. According to this law, when a process is affected by many factors, the rate of process is limited by the factor that is available in minimum quantity. अगर कोई reaction चल रहा है, physiological process चल रही है और उसमें बहुत सारे factors involved हैं तो उस रिएक्शन में जिस फैक्टर की क्वांटिटी कम है जिसकी वैल्यू मिनिमम है वही रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करेगा. दैट इज नोन एज Blackman's लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. नाउ लुक एट द फैक्टर्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस. तो फर्स्ट आता है एक्सटर्नल फैक्टर. दो तरह के फैक्टर आते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. एक्सटर्नल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले आता है लाइट. और लाइट में फर्स्ट पॉइंट आती है लाइट की इंटेंसिटी. अगर लाइट प्रेजेंट है तो उसकी इंटेंसिटी कैसी है इस पर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है. अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है ठीक है तो रेट ऑफ रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज होगा. विद इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी ये लगातार बढ़ता रहेगा जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी. लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ पॉइंट जब इंटेंसिटी अपने हाईएस्ट लेवल पर होगी फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्लोरोफिल का और जो ये फिनोमिना है ये पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोलराइजेशन. तो लिख लीजिए फर्स्ट एक्सटर्नल में लाइट. लाइट में आता है लाइट इंटेंसिटी.
फर्स्ट पॉइंट, लाइट इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है. फर्स्ट पॉइंट, एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एट हाई इंटेंसिटी बट इन हाई इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट डिक्लाइनिंग. And this process is known as solarization and this phenomena occurs due to the photooxidation of chlorophyll. Declining due to the photooxidation of chlorophyll. And this phenomena is known as solarization. Okay, तो फोटो ऑक्सीडेशन होता है, हो जाता है क्लोरोफिल को. ये इंडिकेट करता है कि जो सांस ने समझाया था कि अगर मैक्सिमम लेवल के ऊपर फैक्टर इंक्रीज हो जाता है तो भी वो रेट ऑफ सिंथेसिस को गिरा सकता है. लाइट इंटेंसिटी. दूसरा है लाइट क्वालिटी. राइट, लाइट की क्वालिटी का मतलब यह है कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन द रेड लाइट फॉलोड बाय द ब्लू लाइट बट मिनिमम इन द केस ऑफ ग्रीन लाइट. इट इज मैक्सिमम इन फोटोक्रोमैटिक लाइट, यानी व्हाइट लाइट जो नेचुरल लाइट आती है उनमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम पाई जाती है. नेक्स्ट फैक्टर आता है लाइट इंटेंसिटी के बाद लाइट क्वालिटी. क्वालिटी, लाइट क्वालिटी मींस द फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली रेड एंड ब्लू रेडिएशन. ठीक है, जब ये इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगी. द क्वालिटी मीन्स हायर इन रेड रेड लाइट एंड ब्लू लाइट. तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी. बट मैक्सिमम ग्रीन में मिनिमम इन द केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. ठीक है, लेकिन आपको मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है पॉली क्रोमैटिक लाइट. पॉलीक्रोमैटिक मतलब वाइट, जो नेचुरल लाइट हमें मिलती है. तो इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको ज़्यादा देखने को मिलती है. तो दिस इज अबाउट द लाइट क्वालिटी. नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड. हेड डाल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इन द केस ऑफ नॉर्मल कंसेंट्रेशन इट इज अबाउट
0.36%, जिसको हम 360 ppm कह सकते हैं, इन एटमॉस्फेयर इज द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. सो इफ द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीजेस. बट इन द प्रेजेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट डिक्लाइनिंग. तो यहाँ पर भी एक ऑप्टिमम वैल्यू तक फोटोसिंथेसिस की क्वांटिटी या फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट्स पर मिलियन 360, 380 या उसके अबव जाता है, तो ये प्रोसेस वापस से डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है. दैट मीन्स दिस फैक्टर आल्सो अफेक्ट बैडली द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. The rate of photosynthesis photosynthesis is directly proportional to the concentration of carbon dioxide up to certain limit. And once the concentration of carbon dioxide increases from the optimum level, the rate of photosynthesis decrease. High concentration of carbon dioxide is inversely proportional to photosynthesis. So high the concentration, once the concentration is increases, right, the photosynthesis decreases. Next heading डाल दीजिए, carbon dioxide compensation point. Carbon dioxide compensation point वो value है जिसमें इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल हो जाए. और दैट मींस जब फोटोसिंथेसिस में जितनी ऑक्सीजन इनटेक होती है और रिस्पायरेशन में जितनी रिलीज होती है, अगर वो इक्विवेलेंट हो जाए, तो उसी को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट. कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक इन photosynthesis is equal to carbon dioxide released during respiration. Then it is called कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट.